माता, कि आपके देवी श्री महाकाली रूप की कृपा से हम भक्तों को कैसा सुफल प्राप्त होता है? मैं जब श्री महाकाली रूप में अवतरित होती हूँ तो उस समय महादेव महाकाल रूप में मेरे साथ होते हैं। मेरे इस रूप की आराधना से मेरे भक्तों को जीवन के सभी सुख और भोग के सभी साधन प्राप्त होते हैं और उनकी समस्त धर्मोचित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन के उपरांत उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। माँ प्रणाम, माँ श्री महाकाली। मशान काली का काली, बद्रकाली कपाली, गुही काली महाकाली, रूपुल्ला विरोधिनी, काली का कालरात्रिश्च, महाकाली नितंबिनी, कालभैरव भार्या च, कुलवर्तम प्रकाशिनी, कामदा कामिनी कन्या, कमनीय स्वरूपिणी, कस्तूरी रस लिप्तांगी, कुंजरेश्वर गामिनी, ककार वर्ण सर्वांगी, कामिनी कामसुंदरी, कामार्ता कामरूपा च कामधेनु कलावती, कांता कामस्वरूपा च कामाया कुलकामिनी, कुलीना कुलवर्त्यम्बा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी। मेरी प्रथम महाविद्या काली के रूप की कथा अनंत है, इसीलिए अब मैं उसे विराम देती और अपनी द्वितीय महाविद्या के विषय में बताती हूँ। द्वितीय महाविद्या माता? गणेश, अपने प्रश्नों पर थोड़ा नियंत्रण रखो, कदाचित माता क्रोधित हो रही हैं। माता श्री महाकाली का प्रचंड क्रोध जागृत हुआ तो कदाचित हम सभी उसमें भस्म हो जाएंगे। एक और प्रश्न पूछना चाहता है रे, तो पूछ। कि तू तुझसे यही अपेक्षा भी है, क्योंकि जब तक तू मेरा रहस्य जान नहीं जाता तेरी जिज्ञासा कहाँ शांत होगी रे? पूछ, तेरे मन में क्या प्रश्न है? माता, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्व ज्ञाता है, तो मेरा प्रश्न भी आपसे छिपा कहाँ है माता? ज्ञात है मुझे, तेरा प्रश्न मुझे अवश्य ज्ञात है, किंतु यहाँ उपस्थित और किसी को नहीं, इसीलिए पूछ ले, पूछ। जो आज्ञा माता। माता, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि जब संसार में श्री महाकाली का आविर्भाव हो चुका था और उनकी कृपा से पृथ्वी का निर्माण भी आरंभ हो चुका था, तो आपके द्वितीय महाविद्या रूप की आवश्यकता क्यों हुई? इसमें समझने का जो भी है मैं पूर्व में ही कह चुकी हूँ गणेश। महादेव के साथ मिलकर संसार के निर्माण, पालन और संहार का कार्य है मेरा, और अपने इन सभी कार्यों के संपादन के लिए मैं अपने 10 महाविद्या रूप प्रकट करती हूँ। मैंने अपने महाकाली रूप में मधु और कैटअप के शरीर से पृथ्वी के कठोर धरातल का निर्माण करवाया, किंतु उससे सृष्टि का सृजन पूर्ण नहीं हुआ था, क्योंकि जल और थल तो अब थे किंतु और कुछ नहीं था, इसीलिए सृष्टि अभी भी अपूर्ण थी। जल और थल के बाद प्राण ऊर्जा प्रदान करने के लिए सूर्य की आवश्यकता थी, जिनकी उत्पत्ति के लिए मैंने अपना देवी तारा स्वरूप धारण किया और महादेव के अक्षोभ्य स्वरूप का प्राकट्य हुआ। माँ तारा और श्री अक्षोभ्य ही आदित्य सूर्य के सृजन का कारण थे। माता, मैं ये जानने के लिए भी उत्सुक हूँ कि आदित्य सूर्य की रचना आपने कैसे की। तो सुन, ध्यान से सुन।
रहना पृथ्वी, हिमाच्छादित थल पिंड मात्र थी, जिस पर जीवन संभव नहीं था। इसीलिए देवी तारा का उद्भव हुआ, जिनसे आदित्य सूर्य को उत्पन्न होकर पृथ्वी पर उष्णता और प्रकाश का संचार करना था। वो देवी तारा मेरी द्वितीय महाविद्या, सर्वथा असाधारण स्वरूप है मेरा। मेरा वो महाविद्या स्वरूप है जिनमें ऊर्जा, उष्मता, प्रकाश उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। और जब उस ऊर्जा का संयोग प्रभु अक्षोभ्य की ऊर्जा से हुआ, तो वो संयुक्त ऊर्जा आदित्य सूर्य के अस्तित्व का आधार बनी। तारा और प्रभु अक्षोभ्य की संयुक्त ऊर्जा सागर के जल में समाहित हुई, तो वहां अनेकों प्रज्वलित ऊर्जा पिंड उत्पन्न हुए, जिससे ऊर्जा का अद्भुत विस्तार हुआ। फिर देवी तारा ने अपनी श्वास वायु से एक प्रचंड वायु प्रवाह उत्पन्न किया, जिसके टकराव से और ऊर्जा पिंडों की संख्या में और वृद्धि के साथ उनका जुड़ाव आरंभ हुआ। और तब जल के भीतर निरंतर बढ़ती ऊर्जा के केंद्र आदित्य सूर्य का आकार दिखाई देने लगा। फिर प्रभु अक्षोभ्य और देवी तारा की ऊर्जा से आदित्य सूर्य प्रस्तुत हुए। प्रभु अक्षोभ्य, आपसे जीवन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। मुझे उत्पन्न करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने पृथ्वी पर जीवन का संचार करने के लिए आपको जन्म दिया है। अब आप अपने स्थान पर रहकर सृष्टि को उष्मता, प्रकाश और जीवन दायिनी ऊर्जा प्रदान करें। दिवस और रात्रि उत्पन्न करेंगे, पृथ्वी पर ऋतुओं का चक्र स्थापित करेंगे। अब आप प्रस्थान कीजिए और सभी को जीवन देने का अपना दायित्व संभालिए। उचित है मां।